हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कट कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स पे। आज मैं आपको ये जो जाल जंगले के ऊपर जो हमने शेड बनाया है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अभी हमने इसको यहाँ पे लॉक कर रखा है तो इसे कोई आंधी तूफान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, जैसे कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए, घर पे कुछ फंक्शन है या कुछ प्रोग्राम है तो इसको ये हमें रुकावट कर रहा है, जगह की कमी है आजकल शहरों में, तो इसको जब ज़रूरत नहीं है तो हम इसको खोल सकते हैं। ये मैंने नीचे की साइड में यहाँ पे इसको लॉक दिया है, अभी इसको छोड़ देंगे तो ये अपने आप नीचे नहीं गिरेगा। अभी आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्पेस जो है वो बच गया है अपना। घर पे कोई भी फंक्शन हो तो इसे उठा सकते हैं। इसमें हमने यूज़ करी है पॉलीकार्बोनेट डायमंड शीट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इससे एक और भी बहुत अच्छा फ़ायदा है, वो मैं नीचे जाके आपको दिखाऊँगा क्या फ़ायदा और है। इसको ये मैंने खोला और लॉक दोनों हटाने के बाद, दोनों लॉक हटाने के बाद ये अपने आप नीचे आएगा, तो इसको पकड़ना पड़ेगा यहाँ से। वैसे तो एक ही बंदा उठा सकता है, लेकिन मैंने फिर भी दो हैंडल दिए हैं, ज़्यादा भारी नहीं है ये, जैसा आपने देखा कि मैंने उठाया बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बारिश का मौसम है तो पानी से बचाव के लिए इसको बनाया गया है। मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगा कि इससे नीचे ट्रांसपेरेंसी या रोशनी कितनी आती है वो दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं नीचे। तो दोस्तों, मैं अब नीचे जा रहा हूँ घर के अंदर। आप देख सकते हैं ऊपर जो है शेड लगा हुआ है पॉलीकार्बोनेट शीट का, और नीचे ये रोशनी आ रही है। आप यहाँ पे रूम के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे रोशनी आ रही है, शेड के अंदर से रोशनी आ रही है। आप अभी ये गुरप्रीत ने ऊपर उठा दिया है शेड को, मैं आपको दिखा देता हूँ, शेड को हटा दिया गया है। हटाने के बाद ये रोशनी आ रही है, और आप वॉशरूम में देख सकते हैं कि कुछ अंधेरा है, यहाँ पे भी अंधेरा है, लेकिन डाउन, अब आप देखेंगे कि गुरप्रीत डाउन कर रहे हैं शेड को, तो डाउन करने के बाद भी वही रोशनी आ रही है। अभी डाउन कर दिया है और वही रोशनी जो पहले आ रही थी वही अभी आ रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि शेड, ये शीट का जो शेड हमने लगाया है इससे रोशनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि घर में अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, अंदर रोशनी तो आएगी, ये दोनों ही काम कर रहा है, वेंटिलेशन भी है, पानी से भी बचाव करेगा, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।